हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं जो नौ ग्रह हैं उनके जो राजा कहलाए जाते हैं, उन सभी नौ ग्रहों के जिनको हम सूर्यदेव के नाम से जानते हैं। सूर्यदेव को राजा की उपाधि हमारे ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष में दिया गया है। तो आज प्रिय साथियों, हम सूर्यदेव की ही विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस जुलाई के महीने में सूर्यदेव भी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमेशा हम आपको बताते हैं, सूर्यदेव के विषय में भी बताते हैं कि देखिए, सूर्यदेव एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में ये बहुत अच्छी और बहुत मजबूत पोजीशन में होंगे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के मान सम्मान, यश और ख्याति में दीन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होती जाएगी। ख्याति के शिखर तक पहुंचा देते हैं ये, यानी कि फर्श से लेके अर्श तक पहुंचाने का काम सूर्यदेव का है। ख्याति के मामले में आपको यश, आपकी पॉपुलैरिटी, आप कितना फेमस होना है, ये सब सूर्यदेव का डिपार्टमेंट है। दूसरी बात, अगर सूर्यदेव आपकी कुंडली में बहुत अच्छी मजबूत पोजीशन में हैं तो जातक को ये भी देखा गया है कि वो सरकारी ही विभाग में अधिकतर कार्यरत होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर बहुत अच्छी पोजीशन में है, मान लीजिए उच्च की पोजीशन में है, कोई अच्छा राजयोग बन गया है इनके साथ किसी अच्छे शुभ ग्रह को मिल करके, या इनके किसी मित्र ग्रह के साथ अपनी मित्र राशि में, मित्र के घर में और शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो फिर निश्चित रूप से वो व्यक्ति जीवन में अपने पीछे मुड़ करके नहीं देखता साथियों, वो सिर्फ आगे ही चलता है। और पॉपुलैरिटी, उससे जितना वो आगे चलता है उससे 100 कदम पॉपुलैरिटी उसकी आगे चलती है। ये है सूर्यदेव का चमत्कार। तो आज हम उन्हीं सूर्यदेव की चर्चा करने जा रहे हैं प्रिय साथियों, क्योंकि सूर्यदेव इस महीने, जैसा मैंने कहा, कि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। अब ये राशि परिवर्तन जब करेंगे तो कौन सी राशि से निकलेंगे और किस राशि में इनका प्रवेश होगा, कौन सी तारीख को होगा, ये सब आपको जानकारी देंगे। और फिर वहां पर जब ये पहुंच जाएंगे उस राशि में जिसमें इनको जाना है इस महीने, वहां जाने के बाद किस किस ग्रह के साथ इनकी युति बनेगी, किसके साथ संबंध बनेगा किस ग्रह के साथ, और उन संबंधों का आप 12 राशियों के जातकों पर किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा, इसकी चर्चा आज इस कार्यक्रम में हम आपके साथ करने वाले हैं। तो आइए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए शुभारंभ करते हैं कि प्रिय साथियों, जैसा मैंने कहा कि सूर्यदेव, देवों के देव सूर्यदेव, दिनांक 16 जुलाई सन 2022, दिन शनिवार, तिथि होगी तृतीया यानी कि तीज की रात्रि 10:56 पर अब ये अपनी सम राशि मिथुन से निकलने वाले हैं। यहां से निकलेंगे 16 जुलाई को मिथुन राशि से, जो इनकी सम राशि है, और ये फिर अपनी मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा सूर्य के परम मित्र हैं, तो वहां पर ये अपनी मित्र राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं कर्क राशि में 16 जुलाई को। और इस राशि में इनका साथ अपने सम ग्रह बुध के साथ बनेगा 16 जुलाई से ही, जिस दिन इनका प्रवेश होगा उसी दिन से इनका साथ महीने की अंतिम तारीख तक 31 जुलाई तक अपने सम ग्रह बुध के साथ इनका साथ रहेगा कर्क राशि में। वैसे तो ये 16 अगस्त तक रहेंगे कर्क राशि में, 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त, पूरा एक महीना। और मैंने जैसा कहा कि 16 जुलाई से ही 31 जुलाई तक इनके सम ग्रह बुध का भी इनको साथ मिलेगा, वो भी इनके साथ रहेंगे। उसके पश्चात 6 अगस्त से और 16 अगस्त तक, जब तक ये रहेंगे वहां कर्क राशि में सूर्यदेव, 6 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक शुक्र भी इनके साथ में रहेंगे। हालांकि सूर्य और शुक्र आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, शत्रुता है,
लेकिन सूर्य शुक्र का साथ भी इस राशि में कर्क राशि में बनेगा 6 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक। तो ये जो स्थिति बनने जा रही है सूर्यदेव की बुध के साथ कुछ समय के लिए और अंतिम जब तक वो 16 अगस्त तक वहाँ रहेंगे सूर्यदेव कर्क राशि में, अंतिम 10 दिन अपने शत्रु ग्रह शुक्र के भी साथ रहेंगे कर्क राशि में। तो आप 12 लगन राशि के जो जातक हैं, सूर्यदेव स्पेशली सूर्यदेव की बात हो रही है यहाँ पर, इन ग्रहों के साथ संबंध बनाने के पश्चात सूर्यदेव आपके जीवन में किस प्रकार के प्रभाव दिखाने जा रहे हैं इसकी चर्चा हम आपको करेंगे और बताएंगे मेष लगन राशि से लेकर के मीन लगन राशि तक के सबकी स्थिति किस प्रकार रहने वाली है सभी लगन राशि के जातकों की सूर्यदेव के कारण। आइए तो जानते हैं कि वो कौन सी भाग्यशाली लगन राशि है कि जिनके ऊपर इस 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच की अवधि में सूर्यदेव की होगी उन पर विशेष कृपा। हम एक एक करके सभी लगन राशि के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपसे मेष लगन राशि के जो जातक हैं, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में बताएंगे। तो देखिए आपके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं प्रिय साथियों, मेष लगन राशि के जो जातक हैं, उसमें सूर्य जो हैं आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं, पंचम भाव के, और ये आकर के बैठेंगे आपके फोर्थ हाउस में। यहाँ आकर के ये परिणाम जो देने वाले हैं बुध के साथ मिलकर के, शुरू के 15 दिन लगभग पूरे महीने ही समझ लीजिए कि जुलाई के महीने में 16 जुलाई से और 31 जुलाई तक बुध के साथ इनकी युति है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो समय रहेगा 31 जुलाई तक का, पहले मैं उसके विषय में आपसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर 31 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच की बात बताएंगे आपको। तो देखिए ये जो छात्र हैं, छात्रों के लिए तो 16 जुलाई से 16 अगस्त तक का ही महीना जो है ये जब तक कर्क राशि में सूर्यदेव हैं, छात्रों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं सूर्यदेव। छात्रों को अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराएंगे उनकी एजुकेशन से रिलेटेड, और जो अपने या तो व्यापार करते हैं या जो रोजगार में हैं उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि आपके द्वारा लिए गए फैसले इस समय अवधि में उनके बड़े अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे और उनकी बड़ी अच्छी प्रशंसा होगी। जो भी आप फैसले लेते हैं बड़े इंपॉर्टेंट फैसले, बल्कि मैं तो कहूँगा कि इस समय अवधि में अगर पहले से कुछ पेंडिंग फैसले हैं जो आप नहीं ले पा रहे थे या नहीं ले पाए किसी भी कारणवश, तो 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में वो फैसले जरूर ले लीजिए। ये वो अच्छा समय है आपके लिए कि इस समय अवधि में लिए गए आपके द्वारा कुछ अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय, आपको उनका अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए थोड़ा सा माता पिता में विशेष रूप से पिता के साथ थोड़ा सा तल्खी हो सकती है आपके विचारों में, उनके साथ आपके विचार मिसमैच हो सकते हैं, शायद उनकी कोई अच्छी एडवाइस आपको या उनकी कोई सलाह या उनका जो वो मार्गदर्शन आपका करते हैं वो आपको पसंद ना आए, ऐसा हो सकता है, इसकी भी अच्छी संभावना है। हालांकि 31 जुलाई तक आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, और मैंने जैसा कहा कि अच्छे बड़े निर्णय आप ले लीजिए, बहुत उत्तम समय रहेगा ये, और कार्य क्षेत्र में वैसे भी आपका डंका बजेगा मिड जुलाई से लेकर आगे तक। तो आप मेष लगन राशि के जातकों का तो ये सबसे बड़ा फायदा तो आपका यही होने वाला है। उसके बाद जब शुक्र आएंगे 6 अगस्त से लेके और 16 अगस्त तक, तो थोड़ा सा जो वैवाहिक महिला पुरुष हैं उनके जीवन में पहले से भी थोड़ी सी समस्याएं तो चली रही हैं और समस्याएं बनी रहेंगी अभी कुछ समय और, तो थोड़ा सा अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ा सचेत रहें आप, और अपना व्यवहार, अपनी बोलचाल, अपने जीवन साथी के साथ कोशिश ये रखिएगा, क्योंकि वैसे ही ग्रहों का एक तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है आपके ऊपर, ग्रह वैसे ही नहीं चाहते कि आपकी मैरिड लाइफ शांतिपूर्ण ढंग से निकले। तो कम से कम आप तो इस बात को सोचिए कि भाई हम अपनी तरफ से तो कोई ऐसा कुछ मौका ना दें कि कल को हमको ही अपनी ये महसूस हो कि हमारी से ही कुछ गलती हुई है जिसके वजह से ये इसका रिजल्ट आया है सामने। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखनी होगी, और साथ ही परिवार के जो सदस्य हैं 6 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच, पिता के साथ तो हमने बताया ही था, पारिवारिक जो सदस्य हैं
उनके साथ भी थोड़ा सा तालमेल में कमी बनेगी, ये रहेगा। लेकिन सूर्यदेव जो हैं, मैंने जो आपसे बताया कि छात्रों के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट दिलवाएंगे, आपको अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण निर्णय डिसीजन लेने में आपकी पूरी मदद करेंगे और कार्य क्षेत्र के लिए भी अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बात करेंगे वृषभ लग्न राशि के जातकों की। टॉरस असेंडेंट बेस जातक, देखिए आपके चार्ट में प्रिय साथियों जो वृषभ लग्न राशि के जातक हैं उसमें सूर्य फोर्थ हाउस के लॉर्ड है चतुर्थ भाव के, और ये बैठेंगे आकर के 16 जुलाई से तृतीय भाव में यानी थर्ड हाउस में, कर्क राशि अपनी जो इनकी मित्र राशि है। यहां आने के बाद ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे निश्चित रूप से, यानी कि थोड़ा बहुत अगर आलस का आलसी स्वभाव आपका था भी या आप टाल मटोल कर रहे थे कुछ कार्यों को, चाहे वो भले ही कितने ही इंपॉर्टेंट कार्य क्यों ना हो आपके लिए, फिर भी उसको आप इतना जो है तवज्जो नहीं दे रहे थे, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहे थे या दे रहे थे, अब क्या होगा जब ये 16 जुलाई से यहाँ आएंगे, उसके बाद आप वृषभ लग्न राशि के जातक इस बात में पूरा विश्वास रखेंगे कि मेहनत से ही हमको आगे बढ़ना है, और आप मेहनत बहुत उत्साह के साथ करेंगे, ऊर्जा लेवल आपका बहुत अच्छा रखेंगे सूर्यदेव, और यात्राओं में भी आपको लाभ प्राप्त होगा जो भी यात्राएं आप करेंगे, साथ ही भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा आपके कार्यों में। ये बहुत अच्छी बात होती है कि भाग्य अगर साथ हो जाए तो बिगड़े कार्य भी व्यक्ति के बनते हैं, तो यहां पर सूर्यदेव की कुछ इसी प्रकार की स्थिति है। सुख सुविधाओं में भी आपके वृद्धि कराने वाले हैं सूर्यदेव, हालांकि पूर्ण रूप से तो लाभ आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि सुख सुविधाओं के होते हुए भी वहां थोड़ी शनि जो है वो कुछ समय के लिए प्रॉब्लम कर रहे हैं, लेकिन बाद में शनि भी वहां से हट जाएंगे तो आप फिर मिड जुलाई से लेकर, जब सूर्यदेव भी जो है वो 16 जुलाई को ही यहां पर आ रहे हैं अपनी कर्क राशि में, तो फिर आप जो है कर सकते हैं अपने सुख सुविधाओं का पूरा पूरा भोग कर सकते हैं, कर पाएंगे। लेकिन हां इतना जरूर है क्योंकि सूर्य और शनि का भी आपस में संबंध बनेगा, तो ऐसा होने से आपके जो परिवार के जो हेड हैं बड़े उनके साथ कहीं ना कहीं तालमेल में आपकी कमी रहेगी, इस चीज का आपको एहसास होने वाला भी है 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में। हालांकि भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा ये भी हम कह रहे हैं, और पारिवारिक सदस्य जो हैं बड़ों के साथ उनके साथ थोड़ा कोशिश यही करिए कि तालमेल अच्छा बना रहे, क्योंकि ग्रहों की स्थिति तो अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से कोशिश रहेगी तो अच्छा रहेगा। और बाद में फिर थोड़ा सा ये भी है कि 6 अगस्त से लेकर और 16 अगस्त तक जब शुक्र इनके साथ आएंगे सूर्यदेव के साथ, तो वैसे तो ये बड़ा अच्छा राजयोग है लेकिन सूर्य और शुक्र आपस में शत्रु भी हैं, तो उनके भी परिणाम आपको देखने में आएंगे आपके जीवन में। तो राजयोग का तो परिणाम मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, यानी कि व्यक्तित्व आपका अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व का प्रभाव भी लोगों पर पड़ेगा, जितना पड़ना चाहिए था उतना नहीं पड़ पाएगा, तो यहां पर यह थोड़ी सी कमी रहेगी। आगे बात करते हैं मिथुन लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो जेमिनी असेंडेंट बेस जातक है, कि आप मिथुन लग्न राशि के जातकों पर सूर्यदेव किस प्रकार के प्रभाव देंगे 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में। तो आपको सबसे पहले तो बता दें कि आपके चार्ट में सूर्यदेव थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं प्रिय साथियों, और ये सेकंड हाउस में बैठेंगे आके जहां पर कर्क राशि है 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक। अब यहां पर जब ये आएंगे तो आने के बाद निश्चित रूप से एक बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा आंखों की समस्या बन सकती है या दांतों में समस्या बन सकती है, कुछ ऐसे रोग आपको परेशान कर सकते हैं, तो उनकी तरफ से थोड़ा सा लापरवाह ना हो आप। बाकी अगर आप मार्केटिंग जैसे किसी फील्ड में हैं तो वहां पर आप अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हुए पूरा लाभ उठाएंगे और सामने वाले व्यक्ति को या पार्टी जो भी है या क्लाइंट है या कस्टमर है उसको पूरी तरह से प्रभावित कर पाएंगे, और आप इतना ही नहीं प्रभावित करने के साथ साथ आप एक तरीके से अगर ऑर्डर लेना चाहते हैं तो ऑर्डर लेने में भी आपको आसानी होगी सिर्फ आपकी वाणी के कारण। सूर्यदेव आपको ऐसी वाणी देंगे यहाँ पर कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, और व्यापार में है तो अपने क्लाइंट के साथ भी आपकी डीलिंग बहुत शानदार रहने वाली है, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत
बेहतरीन प्रेजेंटेशन आप करेंगे, जिसके कारण आपका कस्टमर कह लीजिए, क्लाइंट कह लीजिए या पार्टी कह लीजिए, जिस जो भी आप उसको यूज़ करते हैं, वो आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएंगे और डील आपके हक में जा सकती है। ये सूर्यदेव करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पारिवारिक मतभेद रह सकते हैं परिवार के सदस्यों के साथ, थोड़ा बहुत। बाकी अगर आप रोजगार में हैं, चाहे बेशक मार्केटिंग में भी नहीं है और किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की आपको प्रेजेंटेशन देनी है, तो हम यही आपको सलाह देंगे कि 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में दीजिए। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन जाएगी। सूर्यदेव आपको बहुत सक्सेसफुली आपकी प्रेजेंटेशन बहुत सक्सेस करा देंगे, आपकी प्रेजेंटेशन को एप्रिसिएशन मिलेगा आपको बहुत अच्छा। तो सबसे बड़ा फायदा तो आपको ये होगा। लेकिन कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा, कि पारिवारिक सदस्य और उनके जो परिवार के जो हेड हैं, उनके साथ कुछ थोड़ा वैचारिक मतभेद जरूर रहेंगे। वहां पर आप जो है उनके साथ तालमेल में थोड़ा कमी की मतलब एहसास होगा, आपको महसूस होगा, अनुभव होगा, ये चीज रहेगी। और जैसा हमने कहा कि आंख या दांत जैसे में कोई परेशानी भी बन सकती है 6 अगस्त से लेके और 16 अगस्त के बीच में। तो आपको बता दें, छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा 6 अगस्त से 16 अगस्त का जो समय है। हालांकि थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम अगर आपने अधिक किया तो परिणाम भी अच्छे प्राप्त होंगे, अन्यथा परिणाम प्रभावित भी हो सकते हैं। ये इस प्रकार का राजयोग है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे और बढ़िया मिल जाएंगे, नहीं करेंगे तो रिजल्ट गए, ऐसी स्थिति है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, खर्च से जितना खर्च होगा, मतलब इनकम जितनी आपको होने वाली है, इनकम के साथ साथ ये मान के चलिए कि खर्चे हालांकि होंगे लेकिन सेविंग भी बराबर करेंगे, सेविंग पर भी आपका उतना ही फोकस रहेगा। ऐसा नहीं है कि बस खर्चे ही करने के लिए बैठे हुए हैं कि भैया जो आ रहा है पैसा खर्च उड़ा दो, ऐसा नहीं होगा। खर्च होगा जहाँ पर होना चाहिए, लेकिन साथ में आपका इस बात पर भी पूरा जोर रहेगा कि हम सेविंग भी कुछ करें, और आप करेंगे। आगे बात करते हैं कर्क लग्न राशि के जातकों के विषय में। कर्क लग्न राशि के जातकों को विषय में बताना चाहेंगे कि आपके चार्ट में सूर्य जो है वो फिफ्थ, मतलब जो उनकी राशि है सिंह राशि, वो सेकंड हाउस में, द्वितीय भाव में, और ये लग्न में आकर बैठेंगे आपके फर्स्ट हाउस में 16 जुलाई से 16 अगस्त तक। यहां बैठेंगे तो क्या है कि ये आपको इस प्रकार के रिजल्ट देने वाले हैं कि आपके जो भी कार्य किए जाएंगे आपके द्वारा अपने कार्य क्षेत्र में, उसमें आपके कार्यों की तारीफ नहीं होगी बल्कि बहुत अत्यधिक तारीफ होगी। और यहाँ तक कि जो आपके सीनियर्स हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो आपके जूनियर्स हैं, सभी आपकी बुद्धि का लोहा मानेंगे, आपके ज्ञान आपकी बुद्धि का लोहा मानेंगे, और आपका जो मान सम्मान है वो इस प्रकार बढ़ेगा कि जैसे राजा के सर पर मुकुट होता है, बस इसी प्रकार की स्थिति रहेगी आपकी राजदरबार में। राजदरबार मतलब जो कार्य क्षेत्र है, चाहे व्यापार है चाहे कहीं भी है, ये अच्छे रिजल्ट्स आपको देने आ रहे हैं कर्क लग्न के जो जातक हैं सूर्यदेव। और दूसरा, राजयोग भी बनेगा, और राजयोग जो बनेगा तो धन की स्थिति भी अच्छी रहेगी आपकी। हालांकि बहुत मजबूत राजयोग तो नहीं बनेगा बुध के साथ, कमजोर है राजयोग, लेकिन फिर भी धन की स्थिति अच्छी रहेगी आपकी। सूर्यदेव आपकी धन की स्थिति मजबूत रखेंगे, काफ़ी स्टेबल कंडीशन रहेगी पैसे के मामले में। और इसके अतिरिक्त बाद में जब 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में शुक्र रहेंगे सूर्य के साथ, तो आपके वैवाहिक संबंधों में भी सुधार होगा। पहले से थोड़ा बहुत अगर कुछ तलखी है तो वो दूर होगी, शुक्र आकर के उसको दूर करेंगे, और आप थोड़ा रोमांटिक मूड में भी रहेंगे, थोड़ा रोमांस के लिए भी समय जरूर निकालेंगे। पारिवारिक मतलब यानी कि जो मैरिड लाइफ है वो आपकी अच्छी चलेगी 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में। और मैंने जैसा कहा कि आपका कार्य क्षेत्र में वर्चस्व रहेगा, तो ये स्थिति कर्क लग्न के जातकों की रहने वाली है, सूर्यदेव के जो द्वारा मिलने वाले परिणाम हैं आपको उनके द्वारा। आगे बात करेंगे सिंह लग्न राशि के जातकों के विषय में। अब जैसे मैंने कहा कि सिंह लग्न राशि, तो सिंह के स्वामी तो खुद लॉर्ड जो हैं वो सन है, यानी कि सूर्यदेव हैं,
और सूर्यदेव यहाँ कहाँ करके बैठेंगे, कर्क राशि कहाँ पर है आपके चार्ट में, 12th हाउस यानी कि 12वें घर में सूर्यदेव यहाँ आकर के बैठेंगे प्रिय साथियों। तो जब सूर्यदेव यहाँ आकर के बैठेंगे तो एक बात का ध्यान रखिए, थोड़ा सा रोग आपको परेशान करेंगे इस 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में, थोड़ा सा शत्रुओं से भी सावधान रहें और अपने स्वास्थ्य की भी चिंता करें, केयर करें, अन्यथा आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं, इस बात की भी बहुत अच्छी संभावना है। खर्च भी थोड़ा सा अधिक रहेगा, खर्च की अधिकता रहेगी, जितना धन आएगा उससे अधिक खर्च की भी संभावना रहेगी। और आपको बता दें 6 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में आपको अपने कार्य से संबंधित दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, हालांकि वो यात्राएं जो होंगी इतनी सुखद तो नहीं होंगी जितनी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा धन का भी आपका खर्च हो सकता है और थोड़ी भागदौड़ वाली यात्राएं हो सकती हैं, ये जो होंगी एक हो या एक से अधिक हो, और अपने ये आप ऑफिशियल टूर की ज़्यादा संभावना है कि आप अपने ऑफिस से रिलेटेड कार्यों में, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्यों को लेकर के आप यात्रा आपको करनी पड़े, इस बात की अधिक संभावना है। और थोड़ा सा आलस्य भी रहेगा, तो अगर आप अपना आलस्य त्यागेंगे, जो कि बहुत जरूरी होता है, आलस्य अच्छा नहीं होता है, लेकिन शुक्र आपको आलसी बनाएंगे 6 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच, तो आप अपने आलस्य को दूर करें, अपने पराक्रम पर भरोसा करें, विश्वास करें और परिश्रम करके आगे बढ़ने का अपना सोच बनाएं इस प्रकार की, तब जाके आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा। हालांकि सूर्य इस राशि में, कर्क राशि में आपके लिए कुछ बहुत अधिक फायदा देने वाले नहीं है ये, तो इसलिए यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा सावधान कर रहे हैं। हाँ, जब ये अपनी राशि में आएंगे 16 अगस्त से, उसके बाद आपकी बल्ले बल्ले कराएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दिलवाएंगे, और जब हम सूर्य का राशि परिवर्तन लाएंगे अगली बार, तब आपसे कुछ अच्छी, आपसे संबंधित कुछ अच्छी खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इसे एक महीने थोड़ा सतर्क रहिएगा, बार बार बोल रहे हैं आपसे ये बात सिंह लग्न राशि के जातकों को, अपनी सेहत को लेकर, अपने खर्चों को लेकर के और अपने कार्य क्षेत्र में भी जो कार्य करते हैं आप, सभी चीज़ को लेकर के आप बहुत कॉशियसली अपने कार्य करें, सावधानी पूर्वक। आगे बात करेंगे कन्या लग्न राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जो विर्गो असेंडेंट बेस जातक हैं, आपके चार्ट में सूर्यदेव द्वादश भाव के लॉर्ड हैं यानी 12th हाउस के, और ये बैठेंगे कहाँ जा करके, कर्क राशि है 11th हाउस में, एक आदर्श भाव में, ये यहाँ पर आ रहे हैं 16 जुलाई को और 16 अगस्त तक ये बने रहेंगे आपके 11th हाउस में, और यहीं पर जिस दिन ये आएंगे 16 जुलाई को, उसी दिन से लेके 31 अगस्त तक बुध दिन के साथ रहेंगे। तो प्रिय साथियों, एक बात तो बता दें कि ये जो 16 जुलाई से और 31 जुलाई तक जो बुध का इनका साथ रहने वाला है, छात्रों को तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, लेकिन परिश्रम के उपरांत, परिश्रम इसलिए करना पड़ेगा कि शनि वहां पर बैठे हुए हैं, अगर सूर्य और शनि का आपस में संबंध नहीं बनता तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन सूर्य और शनि भी अपना संबंध बना रहे हैं, कर्क राशि में आने के बाद शनि के साथ संबंध बनेगा सूर्य का, तो इसीलिए आपसे बोल रहे हैं, आपको एक तरीके से सचेत कर रहे हैं कन्या लग्न राशि के जो छात्र हैं, कि थोड़ा परिश्रम पर अपना फोकस करें। यदि आपने परिश्रम पर फोकस किया तो निश्चित रूप से परिणाम आपके ही अनुसार आएंगे, ये भी तय है। जहां पर एक और ग्रह ये चाहते हैं कि बिना परिश्रम के आपको कुछ नहीं देंगे, वहीं दूसरी ओर कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जो अभी जैसे बुध हैं सूर्य के साथ, 6 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक शुक्र भी आएंगे, उनकी इच्छा ये है कि भाई आपको कुछ अच्छे परिणाम दिए जाएं। अब क्योंकि यहां दोनों चीज़ें कुछ प्लस है कुछ माइनस है, तो यहां पर क्या होगा कि अगर आप मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आप आराम से ले आएंगे, परिश्रम नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट इतने अच्छे आपके नहीं आ पाएंगे, कहने का भाव ये है। आगे बात करते हैं जो कार्यरत हैं अपने क्षेत्र में, चाहे रोजगार कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी कहना चाहेंगे कि भाई जो भी डिसीजन आप ले रहे हैं 16 जुलाई से लेके और 16 अगस्त के बीच, बहुत सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि सूर्य और शनि का संबंध बना हुआ है, कहीं ना कहीं या तो कन्फ्यूजिंग सिचुएशन में आप आ जाएंगे डिसीजन लेने के टाइम पर,
या फिर आप ये महसूस करेंगे कि नहीं भाई मैं डिसीजन ये नहीं ले पाऊंगा, कुछ ऐसी मन की स्थिति आपकी बनेगी। तो बेहतर ये होगा कि फिर भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं इस दरमियान, इस अवधि में, तो फिर कुछ बुद्धिजीवी लोगों के साथ, कुछ इंटेलेक्चुअल्स और इकट्ठे करें, आप अपने पास बैठाएं, उनके साथ मीटिंग करें, तब कोई कॉन्क्लूजन पर पहुंचें, अपने दम पर ना करें। ये वो समय नहीं है, अन्यथा आपको लिए, मतलब आपके लिए परेशानी पैदा हो सकती है आपके द्वारा अकेले लिए गए डिसीजन में। जहां तक प्रश्न है इनकम का, आय आपकी अच्छी रहेगी। दूसरी बात, बीच बीच में थोड़ा बहुत हो सकता है अवरोध पैदा हो, लेकिन ऐसा भी अवरोध नहीं होगा। सूर्यदेव आपको, अगर शनि के कारण थोड़ा बहुत अवरोध हुआ भी तो सूर्य निकालेंगे आपको, मतलब पैसे की कमी आने नहीं देंगे। लेकिन भाई इतना है कि आप, ये मौका है, शुक्र भी आ जाएंगे 6 अगस्त से, तो अच्छी सेविंग करिए, और कर पाएंगे आप सेविंग, प्लानिंग के साथ सेविंग करिए, कुछ अच्छे एक्सपर्ट्स के साथ बात करके कहीं इन्वेस्ट करेंगे पैसा, तो बहुत आसानी से कर पाएंगे और बड़ा तसल्ली मिलेगी आपको, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने कुछ अच्छी प्लानिंग करके कुछ सही जगह पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ। तो प्रिय साथियों, यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि इनकम के साथ आपको मित्रों का भी सहयोग मिलता रहेगा, प्राप्त होता रहेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा होगा लेकिन होता रहेगा। और आय के साथ साथ सेविंग्स भी जरूर करेंगे, ये भी पक्का है। तो साथियों, अब आपके साथ चर्चा करेंगे जो तुला लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस्ड जातक। आप जो तुला लग्न राशि के जातक हैं, उनके चार्ट में जो सूर्यदेव हैं, एक आदर्श भाव के लॉर्ड हैं, यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड हैं, स्वामी हैं, और ये दशम भाव में बैठेंगे आपके आकर के 16 जुलाई को। उसी दिन बुध भी इनके साथ यहाँ पर होंगे, जो कि 31 जुलाई तक रहेंगे, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ आरंभ में ही, जब ग्रह स्थिति से अवगत कराया था राशि परिवर्तन की। अब क्योंकि 15 दिन लगभग ये साथ रहेंगे माह के अंत तक, बुध जो हैं, तो देखिए आप तुला लग्न राशि के जो जातक हैं, उनका बहुत सुंदर राजयोग बनेगा, और ये सुंदर राजयोग आपको ऐसा बनेगा कि अगर आप कहीं भी कार्यरत हैं, रोजगार आदि में हैं, एम्प्लॉय हैं, अगर आप कहीं किसी कंपनी में या किसी भी क्षेत्र में, तो ये आपको अचानक पदोन्नति के अवसर पैदा कर रहे हैं आकर के सूर्यदेव। हालांकि शनिदेव जो हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा बीच में टांग अड़ा रहे हैं। अब टांग अड़ाने का मतलब समझ लीजिए कि एक जो मजबूत पक्ष है, जिसके हाथ में पावर है, जो आपको चाहेगा कि आपको ही पदोन्नत किया जाए, आपको एलिवेट किया जाए पूरी तरह से, यानी कि यह समझ लीजिए कि आपका 80% काम सूर्यदेव बनवाएंगे, 20% उसमें शनिदेव के कारण थोड़ा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। अब ये 20% जो विघ्न बाधाएं आएंगी शनिदेव के कारण, वो आपके कार्य क्षेत्र में कहां से और कैसे वो सिचुएशन क्रिएट होगी, उसको आपको फेस करना है। हालांकि देर सवेर बात तो हो जाएगी, आप निकल जाएंगे, लेकिन थोड़ी बाधाएं, मैंने कहा रुकावटें, कुछ लोग बीच में बाधाएं भी पैदा करेंगे, रुकावटें भी पैदा करेंगे, जिसको कहते हैं थोड़ा लेग पुलिंग, कि भाई ये व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन सूर्य हैं, दिलवा के रहेंगे आपको। तो सूर्यदेव आपको, अगर किसी कारण से वहाँ नहीं बात बनती है, तो कहीं दूसरी जगह आपको कहीं अच्छा सा कोई और बेटर अपॉर्चुनिटी आपको दिलवा सकते हैं, जो आप जिस पद पर कार्यरत हैं उससे भी कहीं सीनियर पोजीशन पे, किसी बड़े पोजीशन पे। तो सूर्यदेव तो ये आपको दिलाने चाहते हैं, ये 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच। अब क्योंकि बुध भी, मैंने कहा बुध भी हैं, तो यूँ तो बुध जो हैं सपोर्ट तो पूरा कर रहे हैं, लेकिन बुध बहुत कमज़ोर स्थिति में, भाग्य के स्वामी हैं, चाहते तो वो भी ये हैं कि पूरा आपको सपोर्ट किया जाए, और सपोर्ट कर भी रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनकी अपनी स्थिति बहुत वीक है। तो बुध चाहते हुए भी, यानी कि भाग्य का, भाग्य में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी आपको महसूस होगी। तो वो कहते हैं ना कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जीवन में कि थोड़ा सा उसके लिए जिद्दोजहद ज़्यादा करनी पड़ती है, तब जा करके हासिल होती हैं। कुछ चीज़ें तो बहुत आराम से बैठे बैठाए मिल जाती हैं, और कुछ चीज़ के लिए, हासिल करने के लिए
खून पसीना एक करना पड़ता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति आपकी बन रही है, घबराना आपको है नहीं बिल्कुल, आज नहीं तो कल आपको मिलना ही है, तो उसके लिए लगे रहिए। ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत हमने पूरी तरह से करा दिया है। अब 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में शुक्र भी आ जाएंगे यहाँ पर, तो जब शुक्र आएंगे तो चीज़ें काफ़ी कुछ आसान होंगी। और शुक्र जो आएंगे 6 तारीख से लेकर 16 के बीच में आपका काम पक्का बन सकता है, अच्छा काम बन सकता है आपका, क्योंकि ये एक नहीं दो दो राजयोग बन जाएंगे। तो इसलिए उम्मीद पूरी है तो हिम्मत ना हारें, लगे रहिए, थोड़ी सी जिद्दोजहद ज़्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन आप ही सफल होंगे, आगे आप ही बढ़ेंगे। 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच के सितारे 80% तक आपको सपोर्ट मिल रहा है बहुत मजबूती के साथ, आप तुला लग्न राशि के जातकों को। हाँ, ये मैं जरूर कहूँगा, सुखों में जरूर कमी रहेगी, सुखों का आप पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे, इसमें जरा थोड़ा कमी रहेगा, और ये तो अभी लंबे समय तक रहेगा कि आपके सुखों में कमी। हाँ, इनकम की बात करें, इनकम बहुत अच्छी होने वाली है आपको, इनकम बराबर होगी, बहुत अच्छी इनकम होगी। और इनकम के साथ साथ मैं आपको बता दूं, भाई बहनों का बड़े जो हैं आपके, उनका भी भरपूर सहयोग मिलेगा, मित्रों का भी सहयोग मिलता रहेगा बीच बीच में, तो आपके ये इस प्रकार के स्टार्स जो हैं आपको इस प्रकार के रिजल्ट्स दे रहे हैं, और विशेष रूप से सूर्यदेव की जो राशि परिवर्तन है ये उसके हमने रिजल्ट्स आपको बताए 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच। अब आपसे बात करेंगे वृश्चिक लग्न राशि के जातकों के विषय में, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जातक। आपके चार्ट में जो वृश्चिक लग्न राशि के जातक हैं, सूर्यदेव 10th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके कर्म स्थान के लॉर्ड हैं, करियर के, और ये भाग्य स्थान में आकर के बैठेंगे, क्योंकि कर्क राशि नवम भाव में है। 16 जुलाई को ये यहाँ आएंगे कर्क राशि में, और यहाँ बने रहेंगे 16 अगस्त तक। अब प्रिय साथियों, जब ये यहाँ आएंगे तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है, स्थिति ऐसी तो नहीं दिखती कि भाई एकदम सारी चीज़ें सब तैयार होकर के आपके सामने पेश कर दी जाएंगी, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शनि भी जो हैं उनका भी रोल है, और वो और सूर्य की आपस में शत्रुता है, तो क्या करेंगे, सूर्यदेव जो चीज़ दिलाना चाहेंगे शनि वहाँ पर अपनी थोड़ी टांग अड़ाएंगे। तो ये चीज़ अब यहाँ पर थोड़ा सा आप वृश्चिक लग्न राशि के जातकों को समझने वाली है। हालांकि बुध भी आपके साथ रहेंगे, तो बुध और सूर्य का यहाँ पर मिलना एक तरीके से ये मान के चलिए कि यूँ तो ये बहुत अच्छा राजयोग है, और राजयोग होने के साथ साथ आपको क्या मिलना चाहिए राजयोग के कारण, राजयोग के कारण आपकी इनकम बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको भाग्य का सपोर्ट भी मिलना चाहिए, और आप अपने कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी अग्रसर होने चाहिए, अच्छी सफलता आपको प्राप्त होनी चाहिए जब तक ये सूर्य का राजयोग बनेगा बुध के साथ। यहाँ यूँ तो ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं शनि के कारण इनमें अवरोध पैदा जरूर होगा, और इसका आपको अनुभव भी होगा, एक्सपीरियंस भी आप करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अवरोध तो पैदा होगा लेकिन चीज़ें रुकेंगी नहीं, किसी कारण से अवरोध पैदा हो गया चलो स्पीड कम हो सकती है, लेकिन ये चीज़ ऐसा नहीं है कि वहाँ पर चीज़ें स्टॉप हो जाएंगी। आप हमारे कहने का मतलब समझ रहे होंगे, बहुत अच्छी तरह बहुत खोल के बात कर रहे हैं, बस थोड़ा स्पीड कम हो जाएगी, जो जल्दी पहले मिलना था वो थोड़ा बाद में मिल जाएगा, यही फर्क पड़ेगा बस शनि के कारण। बाकी चीज़ें आपको अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, आप जो भी प्रोजेक्ट हाथ में लेंगे या जो भी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं वो बहुत सक्सेसफुली करेंगे। बीच बीच में बस मैंने जैसा कहा बार बार बोल रहा हूँ, थोड़ी बाधाएं ये जरूर आएंगी, अवरोध आएंगे, लेकिन निकल जाएंगे आप उनसे भी, कोई बात है वो विशेष ऐसी है नहीं कि जिसके कारण आप हिल जाएंगे या परेशान हो जाएंगे। फिर शुक्र आएंगे आपके साथ, ये सूर्यदेव के साथ 6 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में, उनके आने के बाद भी आपका जो है जो एक तरीके से मैं कहता हूँ पराक्रम में वृद्धि करेंगे। पराक्रम का तो आपका सूर्यदेव पहले दिन से ही वृद्धि करना चाहेंगे, ऐसी बात नहीं है, शुक्रदेव भी उसमें सपोर्ट करेंगे, कार्य क्षेत्र में शुक्रदेव भी आपको आगे बढ़ाना चाहेंगे, उनकी भी यही इच्छा रहेगी कि आप आगे बढ़ें, आपको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो।
और जहां तक इस बात का प्रश्न है, दूर दराज की यात्राएं भी आपको 6 अगस्त से 16 के बीच में करनी पड़ सकती हैं अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, अपने कार्यों से संबंधित। और ये यात्रा जो आप करेंगे थोड़ी सी भागदौड़ भरी तो रहेगी, एकदम इसको ये तो नहीं कह सकते कि बहुत 100% सुखद रहेगी, लेकिन फिर भी सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ लाभ आपको दे जाएगी ये यात्रा जो करेंगे आप। आगे बात करेंगे आपसे जो धनु लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके ऊपर सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के उपरांत क्या क्या प्रभाव देखने में आएंगे। तो आप धनु लग्न राशि के जातकों के जो चार्ट हैं उसमें है सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी हैं 9th हाउस के, और ये 8th हाउस में आकर के बैठेंगे 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच। और जब ये यहाँ आएंगे प्रिय साथियों, तो यहाँ आने से कोई बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिल जाएं, इस बात को तो मैं थोड़ा सा कहने में मुझे थोड़ा हेजिटेशन फील कर रहा हूँ, क्योंकि 8th हाउस में आना बैठना थोड़ा सा, हाँ इतना ज़रूर है, एक बात तो है यहाँ पर आकर के जब ये बैठेंगे मित्र के घर में है कि जो आपके फैमिली के हेड हैं, बुजुर्ग जिनको बोलते हैं, निश्चित रूप से उनका स्नेह, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद सूर्य के कारण आपको मिलेगा, ये तो करवाएंगे। लेकिन थोड़ा भाग्य में, भाग्य का सपोर्ट है, यदि आप चाहें कि मुझे पूरा भरपूर मिले तो उसमें थोड़ी कमी रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ, जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनके साथ भी किसी ना किसी बात को लेकर के वाद विवाद पैदा हो सकता है। धन की स्थिति जहां तक है, मुझे जो लगता है कि जब शुक्र आएंगे 6 तारीख से और 16 अगस्त के बीच में, 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में, तब कुछ परिवार के सदस्यों के साथ आपके मतभेद दूर हो सकते हैं उस स्थिति में। और जो आपकी इनकम है, और कुछ उस समय आपकी पदोन्नति भी हो सकती है, इनकम भी बढ़ सकती है 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में, क्योंकि बहुत अच्छा विपरीत राजयोग बनेगा, तो अचानक आपका कोई प्रमोशन हो सकता है या अचानक आपको कहीं से अच्छा ऑर्डर मिल सकता है यदि आप व्यापारी हैं, या कहीं से पेमेंट रुकी हुई आपको प्राप्त हो सकती है, कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन हाँ, भाग्य में थोड़ा सा कमी का एहसास आपको रहेगा, और पिता के साथ संबंध, पिता के साथ थोड़ा सा अच्छे बनाने की कोशिश करें। अगर आप चाहते हैं कि आप लाभ प्राप्त करें, आपको हर तरीके से लाभ प्राप्त हो, तो पिता के साथ संबंध बिल्कुल ना बिगड़ने दें, कोशिश यही रहे, चाहे पिता की ओर से आपको कुछ भी कहा जाए, बोला जाए, सब धैर्य के साथ सुन लें, पेशेंटली सुन लें, अगर आप ये चाहते हैं कि भाई चीज़ें आपके अनुसार आगे चलें। तो यहाँ पर ये हमारा एक छोटा सा सुझाव ज़रूर आप मान लीजिए, धनु लग्न राशि के जातक, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। कार्य क्षेत्र में मैंने बता ही दिया, अचानक कोई तरक्की हो सकती है। आगे बात करेंगे कि मकर लग्न राशि के जातक, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में प्रिय साथियों जो सिंह राशि है, जिसके लॉर्ड सूर्यदेव हैं, वो 8th हाउस में है। मकर लग्न राशि के जो जातक हैं उनके चार्ट में, यानी कि सूर्य जो है 8th हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में, और ये 7th हाउस में आकर के बैठेंगे 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक अपनी मित्र राशि में। यहां पर ये आकर के बैठने के बाद निश्चित रूप से आपके कारोबार में वृद्धि कराएंगे, कारोबार है, रोजगार है, पहले से अगर उसमें कुछ दिक्कतें हैं, चल रही हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ कमी आएगी, ये सूर्यदेव करेंगे। और थोड़ा सा स्वभाव आपका जरूर उग्र रहेगा, बीच बीच में आपको किसी ना किसी बात पर गुस्सा आ जाना, क्रोध आ जाना, ये जरूर रहेगा, इस पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। हालांकि आप खुद रियलाइज़ करेंगे ये चीज़, अचानक मान लीजिए किसी बात पर अचानक आपको गुस्सा आ गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपको उसी टाइम ये एहसास भी हो जाएगा कि ये ठीक नहीं है, मुझे अपना गुस्सा नहीं करना चाहिए था यहाँ, और आप शांत हो जाएंगे, ऐसी भी स्थिति रहेगी। तो ये भी एक अच्छी बात है, चलिए कि आप अपने आप को संभालेंगे, और संभालना चाहिए भी,
क्योंकि अगर हम विषम परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते हैं तो हमें पहले अपने आप को ही संभालना चाहिए। दूसरा, जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि आपके जो वैवाहिक संबंध हैं वो थोड़ा सा खट्टे मीठे रहेंगे। 19-21 कभी थोड़ा तलखी हो गई, कभी आपस में प्यार हो गया, कभी एक दूसरे मतलब कभी गिले शिकवे हो गए, कभी सारी शिकायतें दूर हो गई एक सेकंड में ही, तो ये इस तरीके का चलेगा। प्यार और तकरार दोनों चीज़ें एक साथ ये चलेंगी। और आपका जो मैंने जैसा कहा व्यापार है, कारोबार है, रोजगार है, निश्चित रूप से उसमें आपकी वृद्धि होगी, उसमें लाभ प्राप्त होगा। बस अपने क्रोध पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि क्रोध आने पर आपकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, करी कराई मेहनत, वो उस पर पानी फिर जाएगा। ये इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा क्रोध के कारण आप मकर लग्न राशि के जातकों का, क्योंकि वैसे भी शनि की 7.5 के प्रभाव में है श्रीमान जी, आप मकर राशि के जातक, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे कुंभ लग्न राशि के जातकों के विषय में। आपके चार्ट में जो हम देख रहे हैं सूर्यदेव जो हैं वो 7th हाउस के लॉर्ड हैं और बैठेंगे आकर के वो 6th भाव में 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक। यहाँ आकर के बैठने के बाद इनके जो परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। देखिए, शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे ज़रूर आपके ऊपर, आपके विरोधी, लेकिन सूर्यदेव किसी ना किसी तरीके से उनको शांत करेंगे। एक तो स्थिति ये होती है कि शत्रु सामने वाला विरोधी हिम्मत ही ना कर पाए आपको कुछ आपका सामना करने की, लेकिन कई बार क्या होता है कि शत्रु सामने आ जाते हैं, विरोधी सामने आ जाते हैं, लेकिन उनको मुँह की खानी पड़ती है। यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति है कि सामना करने की कोशिश करेंगे वो आपका, लेकिन उनको मुँह की खानी पड़ेगी, पीछे हटना पड़ेगा। एक कदम आगे आएंगे उनको 5 कदम पीछे हटने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति सूर्यदेव के कारण रहेगी। दूसरा, जो आपका स्वास्थ्य है, शनिदेव तो चाहते हैं कि आपका स्वास्थ्य बिगड़े, शनि और सूर्य का संबंध बनेगा यहाँ आने के बाद जब सूर्य आएंगे 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक, तो शनिदेव की तो ये इच्छा रहेगी कि शत्रु भी हावी हों, रोग भी हावी हों आपके ऊपर, शारीरिक कष्ट आपको उठाने पड़े, लेकिन सूर्य वहाँ पर काफ़ी कुछ स्थिति को संभाल लेंगे। लेकिन फिर भी आपसे हम ये जरूर कहेंगे कि अपनी स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, लापरवाह ना हो स्वास्थ्य को लेके। दूसरा, थोड़ी खर्चों की अधिकता रह सकती है, तो खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखिएगा। अब ये खर्चे भी किस प्रकार के, ये भी हेल्थ को लेकर के ही, रोग, परेशानियां, इन चीज़ों को लेकर के खर्चे कुछ हो सकते हैं आपके, उसकी संभावना है। और देखिए, यूं तो राजयोग बहुत अच्छा बनेगा। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि 16 जुलाई को जब सूर्य आएंगे और 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में यहाँ पर सूर्य बुध का आदित्य राजयोग रहेगा, लेकिन हालांकि राजयोग तो वो नाम का ही है क्योंकि बुध की स्थिति बहुत वीक है, बुध बहुत कमज़ोर स्थिति में रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि छात्रों के लिए विशेष रूप से कहना चाहते हैं, छात्रों से कुंभ लग्न राशि के, कि अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई में लापरवाही की बच्चों, तो आपके रिजल्ट बिगड़ जाएंगे। बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं, आपको सावधान कर रहे हैं, तो आप लापरवाह ना हो अपनी पढ़ाई को लेके, अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखें। दूसरी बात, शुक्र आएंगे 6 अगस्त से लेके 16 अगस्त के बीच में सूर्यदेव के साथ, तो भी ये एक अच्छा राजयोग बनेगा, बहुत अच्छा राजयोग बनेगा। लेकिन इस राजयोग के बनने के साथ साथ हालांकि भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए आपको, लेकिन उस मात्रा में तो नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सपोर्ट तो ज़रूर मिलेगा और आप लाभ भी ले पाएंगे। अब भाग्य के जो सपोर्ट मिलेगा उसका लाभ आप ले पाएंगे, थोड़ा बहुत सुख सुविधाओं का भी लाभ अच्छी तरीके से ले लेंगे इस अवधि में, 6 अगस्त से लेकर 16 अगस्त के बीच में 10 दिन का ही 11 दिन का समय है। इसी दौरान कुछ भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलने वाला है। तो ये स्थिति आप कुंभ लग्न राशि के जातकों की रहेगी। शनि की 7.5 में भी हैं आप, तो जरा ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिए। अंत में मीन लग्न राशि के जो जातक हैं, पाइसिस असेंडेंट बेस जातक, आपके चार्ट में सूर्यदेव
छठे भाव के स्वामी हैं, सिक्स हाउस के लॉर्ड हैं, और ये पंचम भाव में बैठेंगे 16 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक, फिफ्थ हाउस में आपके चार्ट में, मीन लग्न राशि के जातकों के। तो मैं बता दूं, क्योंकि यूं तो अब ये तो बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए तैयार है आपको, लेकिन शनि बीच में जो है उनके साथ इनका संबंध बन रहा है सूर्य का, तो शनि यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी करेंगे, विशेष रूप से छात्रों के लिए। आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, अपनी एजुकेशन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है जिसमें आपको पढ़ाई में दिक्कत आए, पढ़ाई से संबंधित। लेकिन सूर्यदेव वहाँ पर, उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी सारी समस्याओं को हल किया जाए, और हल ही नहीं किया जाए, आपको एजुकेशन से रिलेटेड अच्छे लेकिन शनि जो हैं वो बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो जितने बेटर रिजल्ट्स आपको सूर्य दिलवाना चाहते हैं उतने तो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छे परिणाम आप ले जाएंगे निकाल के। और जो ऐसे लोग हैं कि एम्प्लॉई हैं या फिर अपना बिजनेस है उनका, कुछ उन्हें अपने कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट फैसले भी लेने होते हैं कुछ अच्छी पोजीशंस पे रहते हुए, तो अगर आपको कुछ बड़े और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं तो आप लीजिए, ज़रूर लीजिए, क्योंकि सूर्यदेव आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शनि के कारण थोड़ी दिक्कतें हैं, तो फिर भी एक अच्छी जो आपके पास इंटेलेक्चुअल्स की टीम अगर है तो उसको कंसल्ट भी ज़रूर करें डिसीजन लेने से पहले, ये भी ज़रूर हम आपको कहना चाहेंगे यहाँ, तभी कोई डिसीजन पर पहुँचें आप। साथ ही 6 अगस्त से और 16 अगस्त के बीच शुक्र का भी साथ रहेगा, तो आपकी इनकम में भी इस दरमियान कुछ बढ़ोतरी की संभावना है, इंक्रीज होने की अच्छे चांसेस हैं, और आपके मित्रों का भी सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है अच्छा, और बड़े भाई बहनों का भी सहयोग प्राप्त होगा, इनकम में भी आपके वृद्धि होने की अच्छी संभावना है 6 अगस्त से 16 अगस्त के बीच, फिर दोबारा से बोल रहे हैं। तो ये स्थिति रहने वाली है, और जिनका लोन वगैरह का चक्कर फंसा हुआ है, लोन लेना चाहते हैं या लोन के लिए आवेदन दिया हुआ है, एप्लीकेशन लगाई हुई है बैंक में या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो वो भी अप्रूवल तो हो जाएगा आपका उसके लिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा आपको प्रयास अधिक करने पड़ेंगे, एफर्ट अधिक करने पड़ेंगे, क्योंकि शनिदेव बीच में थोड़ा सा परेशानियां पैदा कर रहे हैं, वरना सूर्यदेव तो आपको पूरा 100% आपका काम करा देना था उन्होंने तो, ये या फिर आप कोई अपना लोन सेटल करना चाहते हैं जो भी है, लेकिन आप अपने प्रयास अगर आपने किए तो निश्चित रूप से आपको आपका काम बन जाएगा लोन से रिलेटेड। तो ये स्थिति आप मीन लग्न राशि के जातकों की रहेगी सूर्यदेव के राशि परिवर्तन होने के उपरांत। प्रिय साथियों, प्रिय दर्शकों, ये था सूर्यदेव के राशि परिवर्तन होने के बाद आप 12 लग्न राशियों के जातकों पर पड़ने वाले प्रभाव किस प्रकार होंगे उसकी चर्चा। ये कार्यक्रम आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जो आपके सोशल सर्किल में हैं, फ्रेंड सर्किल में हैं, वो सब इसका लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जिस टॉपिक्स पर, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं डिफरेंट एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, उनके जो बनने हैं आने वाले दिनों में वीडियो, उन पर उनकी नोटिफिकेशन सर्वे वीडियोस भी डायरेक्ट आप तक पहुंचे समय रहते हुए, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।